नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस दौरे के दूसरे दिन आज बेस्टिल डे परेड में शामिल होंगे। इसी के साथ 14 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस परेड का चीफ गेस्ट बनेगा। खास बात यह है कि आमतौर पर फ्रांस एक से ज्यादा फॉरेन गेस्ट को इस समारोह के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन इस बार इवेंट में पीएम मोदी इकलौते विदेशी मेहमान होंगे। मोदी से पहले साल 2009 में पहली बार तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया था। बेस्टिल डे परेड में इंडियन आर्म्स फोर्सेस के 269 सदस्यों का एक दल भी हिस्सा लेगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फाइटर जेट भी फ्रांस के लड़ाकू विमानों के साथ चैम एल्सिज के ऊपर फ्लाई पास में शामिल होंगे। परेड में भारतीय सेना का 77 मार्चिंग दस्ता और बैंड के 38 जवान भी शामिल होंगे। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप करेंगे। भारतीय नौसैनिक दल को कमांडर रत बघेल लीड करेंगे। वहीं फ्रांस में इंडियन एयरफोर्स के दस्ते का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी करेगी। इस दौरान भारतीय दल में मौजूद राजपूताना राइफल सारे जहां से अच्छा की धुन भी बजाएगा। बेस्टिल डे परेड के बाद भारत और फ्रांस के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। पीएम मोदी फ्रांस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येल ब्रांड पिवेट से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम भारत फ्रांस के कारोबारियों के साथ भी बैठक करेंगे। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रपति मैक्रो भी शामिल रह सकते हैं। पीएम मोदी के सम्मान में मैक्रो वर्ल्ड फेमस लू म्यूजियम के कोर मार्ली कोर्टयार्ड में एक स्टेट बैंक्वेट भी होस्ट करेंगे। इसमें 250 डिग्निटरीज शामिल होंगे। डिनर में पीएम मोदी के लिए खास वेजिटेरियन मेन्यू तैयार किया गया है। मैक्रो मोदी को इस म्यूजियम का एक टूर भी कराएंगे। यहीं पर दुनिया की सबसे चर्चित और महंगी माने जाने वाली मोनालिसा की पेंटिंग भी मौजूद है। म्यूजियम के टूर के बाद इसकी छत से मोदी और मैक्रो एफिल टावर के ऊपर होने वाली आतिशबाजी का आनंद उठाएंगे।